सम्मानित नागरिकों नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्रा आज आ पहुंचा हूं बवाना में, और बवाना में आया हूं मिलने के लिए शिव कुमार जी से। शिव कुमार जी का गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा शौक है, और शौक तो इतना है कि अपने गार्डन को, अपनी बगिया को बढ़िया से सजाने के बाद उन्होंने अब अपना जो एक पैतृक काम था उसको और आगे बढ़ाया है, और इस काम को इस तरह से आगे बढ़ाया है कि आप देख सकते हैं कि उनका पहले बकेट का काम था, और अब वो बकेट के काम के साथ साथ लोगों को अच्छे क्वालिटी का गार्डनिंग के लिए ये सारा प्लांटर्स उपलब्ध करा रहे हैं। और खासियत ये बात है कि ये वर्जिन क्वालिटी का प्लांटर्स है, जो कि आपके बगिया में खूबसूरती के साथ साथ एक लंबे समय तक चलने के लिए तैयार भी होता है। तो आइए आज बात करते हैं शिव कुमार जी से कि वो कैसे क्या कुछ कर रहे हैं, आप तक ये सारे संदेश को मैं पहुँचाता हूँ। शिव कुमार जी, आपका स्वागत है, और आज काफ़ी अच्छा लगा आपके यहाँ आकर। जी, गार्डनिंग का तो शौक आपको पहले से रहा है, और देखा है कि आपने अपनी बगिया को भी समृद्ध किया है। आज मैं ये देखकर काफ़ी खुश हुआ कि आप एक एज ए गार्डनर लोगों की पेन को समझते हैं कि उनकी क्या ज़रूरत है, और वो सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं। खास करके उम्दा किस्म के, उम्दा क्वालिटी के ये गार्डनिंग के लिए आप पॉट बना रहे हैं, तो ये प्लांटर्स के लिए और कुछ बात करेंगे। तो आप विशेष रूप से ये बताइए कि कैसा लग रहा है आपको ये सारा करके, एक आत्मसंतुष्टि के साथ साथ, और क्वालिटी वर्क जब बात करते हैं तो। सर, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाज़ार से जब हम लोग अपनी, जब मैंने गार्डनिंग अपनी छत पे स्टार्ट की थी, तब हम मार्केट से जो पॉट्स लाते थे सर, इतनी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलते थे, वो तो वो जल्दी ख़त्म हो जाते थे। तो उनको देखते हुए फिर हमने सोचा भी, मैं इतनी मेहनत से हम लोग पौधा लगाते हैं, फिर वो गमला वमला जैसे शिफ्टिंग करनी पड़ती, टूट हो जाती है उसके अंदर, तो फिर हम लोगों ने बिल्कुल वर्जिन क्वालिटी में एक पूरा ही नया बिजनेस पूरा सेटअप किया इसका, प्लांटर्स का जी। और बहुत बढ़िया तरीके से, मतलब क्योंकि तो मैंने खुद गार्डनिंग करता हूँ इसलिए तो मुझे पता है कि गार्डनर की क्या आवश्यकता होती है, उसके हिसाब से हम लोगों ने प्लांटर्स बनाए सारे जी। हाँ, मैं ये और जानना चाहूँगा कि क्या कुछ खासियत है आपके गार्डनिंग के इस टूल में, खास करके जो आप ये प्लांटर में डील कर रहे हैं, और इसमें नया क्या आपने प्रयोग किया, ये भी कुछ बताइए। आइए सर, मैं बताता हूँ जी। एक तो सर, हमारे डिजाइन सब जैसे जितने सारे न्यू, हमने किसी कॉपी नहीं की, हमने किसी को भी, अच्छा जी, हमने सब अपने दिमाग से और अपने तरीके से ही बनाए सारे। जैसे ये देखिए, और ये देखिए, ये बिल्कुल मार्बल शेप में है एकदम। वाह, बहुत अच्छा है ये। ये देखिए, ये इसको हम रॉयल पॉट्स बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हम लोगों ने इसमें, जैसे माली लोग से आम आदमी लगवाते हैं ना, तो वो सुराख तरीके से नहीं करते, पानी की जो ड्रेनेज होती है ना, अच्छा सिस्टम ही होता, तो हम लोगों ने इसके लिए खुद से ड्रेनिंग होल की है, और साथ में रबड़ भी लगा दी है। कल को उनको अगर इसके अंदर सीमेंट का पॉट रखना है और ऊपर से ये खाली कवर के लिए यूज़ करना है, तो उसको रबड़ को लगा दें, अदरवाइज इसको निकाल दें अगर इसी में डायरेक्ट आपको प्लांट इसमें लगाना है तो। ये तो काफ़ी अच्छा प्रोविजन है। हाँ जी, काफ़ी अच्छा प्रोविजन है। अब बात करते हैं एक बार रेंज की, तो आपके पास मिनिमम साइज कौन से हैं और मैक्सिमम साइज क्या, एक बार थोड़ा बता दीजिए। मिनिमम साइज हमारे पास 4 इंची का है जी, जो ये आपके नर्सरी वाले जो लोग यूज करते हैं जी। हाँ, और यहाँ से लेकर हमारे पास 24 इंची तक का सब पॉट्स है सर। अच्छा जी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा जी, वाह, ये तो बड़ा ह्यूज है एकदम से। इसमें चाहे आप पूरा का पूरा पेड़ लगा सकते हैं सर इसके अंदर पूरा। गार्डनिंग का जो शौक लोगों का होता है, लोग शिकायत करते हैं कि हमारे जो प्लांटर है वो गर्मी में ना बढ़ जाते हैं, साइज वाइज फैल जाते हैं, तो उसमें आपने क्या कुछ प्रयोग किया, ये भी थोड़ा बताइए। सर, वो प्लास्टिक का ही फर्क होता है, जो ये बढ़ जाता है या टूट जाता है। हम लोगों ने एक तो यूवी प्रोटेक्शन देते हैं अपने प्लांटर्स में, जो भी हमारे वर्जिन क्वालिटी के प्लांटर्स हैं, इनमें सब में यूवी प्रोटेक्शन साथ में आएगी, इसका कलर भी खराब नहीं होगा और गर्मी से या सर्दी से ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं उस पर। अच्छा जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया। और कुछ क्या रख रहे हैं ये, जैसे देखा कुछ प्लेट्स हैं, इसके बारे में भी कुछ बताइए। हाँ, ये जितने भी हमारे गार्डन हम प्लांटर्स बना रहे हैं, उनके हमने सबके उसके नीचे लगाने के लिए सबके प्लेट्स हैं। अच्छा जी, जैसे कई लोग अपने बरामदे में या घर के अंदर लगाना चाहते हैं, तो पानी जब करते तो ड्रेनेज होता है, जब पानी तो फर्श पर फैल जाता है। हाँ जी, उसके लिए हम लोगों ने प्लेट सारी बनाई है, राउंड भी है हमारे पास, स्क्वायर भी है, सारी साइज है हमारे पास। अच्छा, 4 इंच से लेकर 24 इंच तक के सब साइज है सर। और कलर वाइज भी है आपके पास? अच्छा, जैसे कलर का आपको हमारे से गमला लेंगे आप, अच्छी कलर की आपको प्लेट्स मिलेगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया है। ज़्यादातर देखा गया कि इंडोर प्लांटर के लिए लोग सेरामिक के पॉट्स को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि एक अच्छा क्वालिटी का लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये प्लांटर देखा तो घर के इंडोर में भी काफ़ी अच्छा ये लगेगा,
तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे तो थोड़ा वो भी बताइए। सेरामिक का थोड़ा सा एक तो वेटेड होता है, हाँ जी, और थोड़ा नाजुक भी होता है, जैसे कोई बच्चे बच्चे अगर हाथ वगैरह लगाते हैं या कोई सफाई वगैरह करते टाइम कोई हिल विल जाए टूट फूट हो जाती है उसके अंदर जी। तो प्लास्टिक का सब लुक तो वैसे ही देगा और टूटेगा नहीं जी। हाँ, लगभग लगभग अनब्रेकेबल है ये सब। ये बहुत अच्छी बात है। तो अब ये एक बात और बताइए कि आपका जो ये देखा है ये फवारा, इसके बारे में बताइए कि क्या आपके पास क्वालिटी है। और ये 5 लीटर का है जी, और ये बिल्कुल वर्जिन क्वालिटी के अंदर है जी। मतलब एक बार ले लेंगे तो मेरे को लगता नहीं कि कई साल तक फिर किसी और प्रोडक्ट खरीदने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, क्वालिटी वाइज तो काफ़ी उम्दा है, मैंने देखा है आपका। और अब और एक रेक्टेंगल पॉट में भी कुछ देख लेते हैं रेंज आपका जी। रेक्टेंगल पॉट्स की रेंज आपको मैं दिखाता हूँ सर। जी हाँ, सबसे बड़ी खासियत यह है कि खुद गार्डनर हैं तो गार्डनर अपने पेन को समझते हुए ये सारी चीज़ों में प्रयोग करते रहते हैं, जिससे कि आने वाले समय में गार्डनिंग का जो शौक़ है वो लोगों का कम ना हो, और जो कुछ भी वो कर सकते हैं प्लांटर बनाने के नाते तो वो उन्होंने सब कुछ प्रोविज़न कर रखा है और आगे भी R&D चालू है। तो जो कुछ भी आपका पेन हो, परेशानी हो, तो आप एक बारी मैसेज के द्वारा, संदेश के द्वारा भी दे सकते हैं जी। अब दिखाइए। ये सर, ये रेक्टेंगल, ये हमारे स्क्वायर प्लांटर्स हैं, इनको हम ऑर्चिड स्क्वायर इसका नाम है। 4 इंची से लेकर 14 इंची तक का ये साइज है, 4, 6, 8, 10, 12, 16। बढ़िया बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। तो अब हम लोग और अगले चरण में देखेंगे कि किस तरह से काम करते हैं और आपको डिटेल दिखाते हैं। अरे नितिन का फोन आ रहा था, कोई बात कर लेता हूँ। गार्डनिंग में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम इस तरह के डब्बे का यूज़ करते हैं, खास करके वो बहुत सेकंड हैंड भी यूज़ करते हैं, तो आपके पास कोई विकल्प ऐसा है कि लोग जो डब्बा ढूंढ रहे हैं, इस तरह का बाल्टी ढूंढ रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं इसमें ये भी बताइए। सर, हम लोग पेंट्स और ऑयल की बकेट्स बनाते हैं। अच्छा, मेन काम हमारा, पुराना काम हमारा वही है। अच्छा, और पेंट्स का और कैप्स एंड क्लोजर बनाते हैं सर। अच्छा जी, हर तरीके के कैप्स एंड क्लोजर जो हमारे लुब्रिकेंट्स लाइन में होते हैं वो सारे हमारे पास। अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, और इसी के अंदर से अगर बकेट अगर हमारी एक बार को यूज़ कर लेगा तो टूटती नहीं है जी। बकेट आप लोगों ने यूज करी होगी, जी हाँ, ये तो हाँ बहुत ही मजबूत है, वॉशेबल डिस्टेंपर का मुझे लग रहा है, ये उसी टाइप का है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। और भी आगे कुछ दिखाऊंगा कि ये कैसे प्रोडक्शन होता है, थोड़ा सा आप झलक लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कितना मेहनत है और कितना सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हैं शिव कुमार जी को हम एक बार धन्यवाद भी देते हैं कि उन्होंने बुलाया और इस तरह का ये सारा सेटअप दिखाया, क्योंकि ये बहुत कम होता है कि लोग अपने सेटअप को दिखाते हैं। तो आइए विशेष रूप से अब एक बार देखेंगे एक झलकी कि कैसे प्रोडक्शन होता है फिर, और शिव कुमार जी से पहुंचने का भी तरीका मैं आपको बताऊँगा। आज पहुँचा हूँ शिव कुमार जी के पास। शिव कुमार जी का एक फैक्ट्री है भवाना में, और भवाना के फैक्ट्री में पूरे अच्छी तरह से सेटअप है, जहाँ पर वो डिस्प्ले में ही लगा रखा है क्या प्रोडक्शन होता है। बाकी बहुत ही विशाल विशाल का प्लांटर बनाने की मशीनें हैं, तो उन मशीनों में क्या कुछ बनता है हम लोग एक झलकी वो भी लेंगे, और शिव कुमार जी को एक संदेश देंगे कि शिव कुमार जी जो कुछ भी आप कर रहे हैं ये बहुत ही बढ़िया है। लोग बात करते हैं कि प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, तो प्लास्टिक में यदि आप अच्छे क्वालिटी का यूज़ करते हैं तो ये तो कहीं ना कहीं ठीक है। और दूसरा ये है कि जब रिसाइकिल होके भी कुछ चीज़ें प्लास्टिक जो अभी हमारे सोसाइटी में है, समाज में कहीं ना कहीं है, तो कुछ कोशिश करेंगे कि वहाँ से भी हम लोग इनसे कुछ एक सहयोग बनाएं, और जो कचरा है प्लास्टिक का कचरा है वो भी रिसाइकिल होकर कहीं ना कहीं वो फिर से काम आ जाए, जिससे कि शहर पर कचरे का दबाव कम होने लगे। तो आइए देखते हैं एक बार शिव कुमार जी का मशीन और आप तक ये संदेश पहुँचाते हैं। हम लोग आ पहुँचे हैं गोडाउन में, जहाँ पर गमले बनने के बाद ये रखने का एक स्टैक का जगह है और काफ़ी विशाल है। आप जब कभी ये सोचते हैं कि ये बनता कैसे है, रहता कैसे है, इनको रखा कैसे जाता है, तो अभी तो यहाँ पर रॉ है, लेकिन इसके बाद फाइनल टच देते हुए फिर पहुँचता है मार्केट में। लेकिन मार्केट में पहुँचने से पहले और भी बहुत सारे सिस्टम है, और वो सिस्टम ये है कि प्रोडक्शन से लेकर मैन्युफैक्चरिंग में सेल्स का बहुत बड़ा रोल है। तो कैसा लगता है, रुझान कैसा है सेल्स के बारे में भी बात करें? सर, सेल्स का रुझान बहुत अच्छा है इसका, और अपने कैटलॉग भी बहुत अच्छा बनाया हुआ है। हाँ जी, तो ये कैटलॉग बना हुआ है जी। और इसमें सर जो हम लोगों से, हम लोगों तो खैर होलसेलिंग ही कर रहे हैं, केवल अभी डिस्ट्रीब्यूटर बना के ही माल दे रहे हैं ज़्यादातर। अच्छा, तो उन लोगों को भी अच्छी मार्जिन मिलती है जी,
क्योंकि इस टाइम ये कोरोना के बाद ना हर घर की जरूरत बन गया एक तरीके से, प्लांटर्स हर घर में लगभग लगभग है ही, अब तो ये शौक हो गया एक तरीके का। हाँ, लोग बागवानी की तरफ रुझान बढ़ा है कोरोना के बाद से, बागवानी की तरफ रुझान बढ़ा है पहले से। जी जी, और खास करके जब दिल्ली जैसे शहर में पॉल्यूशन है तो शहरीकरण में ये पॉल्यूशन दिल्ली से निकल कर सभी जगह पहुँच भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी है। तो बहुत ही अच्छा, देख कर काफी अच्छा लगा। अब एक बार प्रोडक्शन देखते हैं और फिर आपसे आज इजाजत लेंगे, ठीक है? तो बहुत ही शानदार। अब हम लोग पहुंच गए हैं गमले बनने वाले सेगमेंट में, जहां मशीन के द्वारा गमले बने हैं। और ये गमले के बारे में जानना चाहेंगे तो श्री कुमार जी से, कौन सा मशीन है ये? ब्लो मोल्डिंग। ये ब्लो मोल्डिंग है सर जी। तो ब्लो मोल्डिंग 30 लीटर की मशीन है। अच्छा, गमला बन रहा है ये वाइट, इसमें हर तरह के सिस्टमेटिक हो जाता है, छोटा बड़ा सब बन जाएगा? सब बन जाता है जी जी। बहुत ही अच्छा, देखिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि गमला कैसे बन रहा है। जी, उत्तम किस्म का, क्वालिटी भी काफ़ी उत्तम है। और आप ये देखिए, एक मशीन में दिखाया जा रहा है कि कैसे गमला बनता है। सील हो गया और ये हवा इसमें भर जाएगा, और हवा के भरने के साथ ही बहुत ही अच्छा गमला, शानदार गमला यहाँ पर तैयार भी हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया। तो क्या सेल्फ सेटिस्फेक्शन है, थोड़ा सा ये भी जान लें, आपको जो गमले का काम आपने खोला तो लोगों का क्या रुझान है आपके प्रोडक्ट के प्रति? सर, हमारे प्रोडक्ट को लेकर लोगों का बहुत बढ़िया रुझान है और डे बाय डे डिमांड हमारी बढ़ रही है। जी जी। क्वालिटी हम लोग वर्जिन बना रहे हैं, हम लोग सेमी या सेकंड में नहीं जा रहे हैं अभी। बहुत अच्छा, अच्छे क्वालिटी का गमला यदि आपको लेना हो, और खास करके ज़्यादा मात्रा में लेना हो, बल्क में लेना हो, और आप व्यवसाय भी यदि करना चाहते हैं खास करके ग्रीनरी और गार्डनिंग के बारे में, तो आप ज़रूर से शिव कुमार जी से संपर्क कर सकते हैं। शिव कुमार जी, एक बार आपका फ़ोन नंबर यदि देना चाहें तो दे सकते हैं। 9811452074। एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, 9811452074। बहुत बढ़िया, गार्डनिंग के इस पूरे पैशन को जिंदा रखा है और अगली पीढ़ी तक भी पहुंचाने का ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके घर में गार्डनिंग शुरू हो जाएगी तो मुझे उम्मीद है ये काफ़ी खुशनुमा होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद, पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, नमस्कार।